हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी ट्रांजिएंट बेस्ड है। एक एलसी सर्किट है, उसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन गिवन है, द एलसी सर्किट शोन इन फिगर हैज एन इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 1 मिली हेनरी एंड द कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। सर्किट आपको दिखाया गया है जिसमें एक L है और एक C है। ठीक, L का वैल्यू कितना है? 1 मिली हेनरी। T का वैल्यू, T जो रहेगा वो T इक्वल्स टू 0 पे स्विच जो है वो क्लोज होगा। द इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर इज 0 व्हाइल द इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज इज 100 वोल्ट। द स्विच इज क्लोज्ड एट T इक्वल्स टू 0। द करंट I थ्रू सर्किट इज, ठीक है, इनिशियल करंट बता दिया इंडक्टर का 0 है, इनिशियल कैपेसिटर का वोल्टेज बता दिया 100 वोल्ट है, t इक्वल्स टू 0 पे स्विच का पोजीशन क्लोज कर दिया गया। तो उस समय हमें I फाइंड आउट करना है। सर्किट आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। सर्किट रीड्रॉ कर लेते हैं। E इज इक्वल टू 0, L C, L का वैल्यू कितना है? 1 मिली हेनरी, C का वैल्यू कितना है? 10 माइक्रोफैराड। यहाँ से करंट I हम जानते हैं, इनिशियल करंट जो है इंडक्टर का IL 0 माइनस IL 0 प्लस भी वही होगा जो क्या है 0 एम्पियर है। सिमिलरली VC 0 प्लस विल बी इक्वल टू VC 0 माइनस, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चेंज का कैपेसिटर अपोज करता है, सिमिलरली इंस्टेंटेनियस करंट के चेंज का इंडक्टर अपोज करता है। तो जो 0 माइनस पे वैल्यू होगी वही 0 प्लस पे होगी, तो ये हो जाएगी हमारी 100 वोल्ट। अब स्विच की पोजीशन क्लोज होती है, तो हमारा जो वैल्यूज है वो प्लस वाली जो रहेंगी वो रहेंगी। अब सर्किट का यदि मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेती हूँ, इस सर्किट को यदि मैं लाप्लास डोमेन में बनाती हूँ, तो मेरा सर्किट क्या बनेगा? एस की एल की जगह हम क्या लिख देंगे? LS। C की जगह अब क्या हो जाएगा? एक तो वोल्टेज सोर्स आ जाएगा जो कि कितना है 100 वोल्ट का, माइनस प्लस करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन हमें इनिशियली कैपेसिटर का जो डायरेक्शन है जिसपे वो चार्ज है वो दिया हुआ है 100 वोल्ट। तो ये आपका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय S, ठीक है, साथ में कैपेसिटर, कैपेसिटर को आप इंडिकेट करेंगे 1/CS। यहां से करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या है? I/S। तो I of S क्या है? यहां से निकाल लेंगे। I of S इज इक्वल टू 100/S डिवाइडेड बाय LS प्लस 1/CS। 100/L 1/S स्क्वायर प्लस 1/LC, या फिर यहां से हम लिख सकते हैं 100 √C/L। यदि मैंने कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा? 1/LC डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 1/LC का होल स्क्वायर। यहां यदि मुझे इनवर्स लाप्लास लेना है, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यदि मैं इसे देखती हूँ इस टर्म को, तो ये इसका इन्वर्स क्या होना चाहिए? मैं इसको बोल सकती हूँ सीधे सीधे ओमेगा, ओमेगा डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये किसका होता था लाप्लास ट्रांसफॉर्म? ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता था साइन फंक्शन का, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि इट इज इक्वल टू 100 √C/L साइन ऑफ ओमेगा कितना है 1/LC इंटू T। ये आपका क्या आ जाता है? I ऑफ T। अब सारी वैल्यूज मेरे पास में है, C की वैल्यू है, L की वैल्यू है, हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? दिस विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटर की वैल्यू कितनी? 10 × 10⁻⁻⁶ इंडक्टर की वैल्यू क्या है? 1 × 10⁻⁻³ साइन 1/√1 × 10⁻⁻³ इंटू 10 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय T। दिस इज इक्वल टू I ऑफ T इज इक्वल टू 10 sin 10⁻⁴ t इतना एम्पियर। ये आपका करंट आता है जो कि आपसे पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर D जो है आपका वो करेक्ट आंसर है।